हमने एक पब्लिक हेल्थ के अंदर पुरानी डुप्लीकेट केबल का मुद्दा उठाया था। नए 15 ट्यूबवेल लगे सिरसा के अंदर, उसके अंदर भ्रष्टाचार करके ठेकेदार जेई एसटीओ इन सब के द्वारा मिली भगत करके कंपनी फिनोलेक्स कंपनी का नाम लेकर के डुप्लीकेट फिनोलेक्स कंपनी का माल डाल दिया। हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई, हमने बोला कि आप गलत कर रहे हो और गलत किया आपने। वो बोलते हैं जी हमने कुछ गलत नहीं किया, कंपनी ने सैंपल चेक किए उसमें वो सैंपल फेल हो गए। उसके बाद वो कहते हैं जी हमने चेंज कर दिया, हमने सीएम इंडो लगा रखी थी 16-8 को, सीएम एलिमेंट जितने भी थे उन्होंने हमारी बात को कहीं पर भी हमारा पक्ष नहीं सुना और उनको क्लीन चिट पे क्लीन चिट देते रहे। बोला जी इस भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, हमारी बात को अनदेखा किया गया, हमारे पर प्रेशर बनाया गया, सीएम एलिमेंट तीनों सीएम एलिमेंट द्वारा हमारे पर इस चीज़ का दबाव बनाया गया कि तुम गलत कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ की तरफ से कोई गलत नहीं हुआ। फिर हमारे पर इस चीज़ का दबाव बनाया गया कि तुम्हारे खिलाफ़ हम एफ आई आर दर्ज करवाएंगे, मानहानि का दावा पेश करेंगे, जबकि हमारे पास पूरे तथ्य मौजूद हैं, कंपनी की टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, इसमें विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है, उसको भी दरकिनार कर दिया उन लोगों ने। फिर हम डीसी साहब से मिले और क्लीन चिट दे दी थी पहले तो एक बार उन्होंने, उसके बाद भी फिर हमने दोबारा सीएम इंडो लगाई, दोबारा सीएम इंडो लगाने के बाद फिर उनका वही हाल, उनको क्लीन चिट पे क्लीन चिट दे जा रहे हैं वो। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई उसके बाद फिर हमने डीसी साहब के सामने जाकर के हमने अपनी बात रखी, डीसी साहब ने फिर ग्रीवेंस कमेटी में हमारी कंप्लेंट लगाई, विज साहब ने हमारी बात को सुना और विज साहब जो सीएम एलिमेंट 6 महीने में हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, विज साहब ने 5 मिनट के अंदर बात समझ ली कि भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितने भी दोषी हैं उन सब के खिलाफ FI दर्ज करके कार्रवाई की जाए। अब बात वहीं ढाके 3 पात आ गई है कि FIR की नोटिस होने के बाद भी सिर्फ ठेकेदारों का नाम ही दिया गया है, जबकि अकेले ठेकेदार की इतनी पावर नहीं है कि वो गलत काम कर सकें। उसमें जितने भी विभाग के दोषी हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर, चाहे वो JE है, STO है, फिनोलेक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है सिरसा का, एग्रीकल्चर समर्सिबल केबल की कोडिंग मेरे पास है। ये मामला आया तब हमने इसको तहकीकात करी और करी, तब ये समझ आया कि ये डुप्लीकेट केबल का बड़ा मोटा खेल है। अकेले ठेकेदार ने जो ये माल लगाया है पब्लिक हेल्थ में वो तो किसी दुकानदारों से ही लिया है, जिसमें कई शहर के दुकानदार भी हैं जो नकली केबल खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। नकली केबल खरीदने और बेचने में बिलों का तो खेल ही नहीं है, उनके बिल नहीं बनते, ये एक GST घोटाला भी है जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं बन रही किसी तरीके से, सबको बचाया जा रहा है। कुछ शहर के छोटे नेता है वो इस मामले में शेल्टर कर रहे हैं, इस मामले को दबा रहे हैं, पुलिस तक दबाव बनाया जा रहा है कि इस कार्रवाई को स्लो करो मत करो। अभी तक हमारे कोई बयान भी नहीं हुए, 161 CRPC के जो बयान होने चाहिए थे वो नहीं हुए, ना ही किसी की गिरफ्तारी दिखाई गई है ना कोई कार्रवाई की। 320.50 रुपये कंपनी की बिलिंग थी, जबकि पब्लिक हेल्थ में सरकारी रेट पास है 205 रुपये। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 320 रुपये की खरीद की चीज कोई 205 रुपये कैसे बेच देगा, घर से लगा रहा है वो पैसे, तो जायज है कि नकली काम हो रहे हैं। इस पूरे ट्यूबवेल्स में केबल अकेली नकली नहीं है, मोटरों तक को पुरानी मोटरों को दोबारा नया बना के रिपेंट करके पाइपें नकली, डिलीवरी पाइपें हल्की, सब गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए नकली माल, हल्का माल, घटिया क्वालिटी का माल यूज किया गया। नकली केबल अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है और किसी को जान मान का हादसा हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? उसमें भी सीएम विंडो या पब्लिक हेल्थ या ठेकेदार ये तय नहीं कर पाए जिम्मेवारी किसकी है। स्टेट विजिलेंस की इंक्वायरी चालू है, सीएम विंडो ने ATR में क्लीन चिट दे दी है कि कोई घपला नहीं है।
और सीएम ग्रीवियांश मीटिंग में ये सामने आ चुका है, घपला है। एफआईआर सिर्फ 8 पे दर्ज हुई है, 7 पे एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई, दो डिवीजन अलग अलग है। तो हमारे निवेदन यही है कि पुलिस विभाग जल्दी से इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज करे और जो दोषी है उन पर तुरंत प्रभाव से जो कार्रवाई बनती है वो अमल में लाए। कंपनी की तरफ से भी कोई शिकायत दी गई है? कंपनी की तरफ से 7वें महीने में शिकायत दी गई थी, जिसका पुलिस विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो कागजों में दबके रह गई।